यदि आप वर्णन करने का प्रयास करें कि परमेश्वर कैसा है, तो यह कठिन और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पर जब बाइबल के लेखकों ने परमेश्वर के रहस्य के विषय में विचार किया, तो उन्होंने परमेश्वर के चरित्र का वर्णन नियमित रूप से इस प्रकार किया: दयालु और अनुग्रहकारी, क्रोध करने में धीमा, सच्चे प्रेम और विश्वास योग्यता से भरपूर। हम इस चौथे वाक्यांश को देखेंगे, सच्चा प्रेम। ये इब्रानी भाषा के खेसेद शब्द का अनुवाद है, जिसे किसी भी भाषा में अनुवाद करना कठिन है, क्योंकि ये प्रेम, उदारता और चिरस्थायी समर्पण के विचारों को एक साथ जोड़ता है। खेसेद प्रतिज्ञा पूरी करने वाली निष्ठा का वर्णन करता है, जो गहरी व्यक्तिगत देखभाल के द्वारा प्रेरित होती है। जैसे रूथ की कहानी में, रूथ एक परदेसी स्त्री है जिसका विवाह एक इसराइली पुरुष से हुआ है, परंतु दुखद रूप से उसके पति की मृत्यु हो जाती है, साथ ही उसके जेठ और ससुर की भी। रूथ के पास अब केवल उसकी विधवा सास नाओमी बची है, जिसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। नाओमी रूथ से कहती है कि वो अपने लोगों के पास लौट जाए, पर इसके बजाय रूथ नाओमी के साथ रहने और उसके देखभाल करने की प्रतिज्ञा करती है। और जब दूसरे लोग रूथ को समय के साथ इस प्रतिज्ञा को निभाते हुए देखते हैं, तो वे इसे खेसेद का कार्य कहते हैं। ध्यान दीजिए कि रूथ का खेसेद शर्तों पर या नाओमी की किसी उपयोगिता पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये तो रूथ के चरित्र की अभिव्यक्ति है। वो एक उदार और प्रेम करने वाली नारी है, जो अपना वचन निभाती है। खेसेद यही है। अब रूथ का सच्चा प्रेम वास्तव में प्रेरणादायक है, परंतु बाइबल में सबसे अधिक चिरस्थायी खेसेद दिखाने वाला तो परमेश्वर है। जैसे याकूब की कहानी में, जो कि एक विश्वासघाती झूठा व्यक्ति है, यहाँ तक कि अपने परिवार के लिए भी, परंतु इसके बावजूद परमेश्वर उसको चुनता है और उसके साथ उस प्रतिज्ञा को दोहराता है जो उसने उसके दादा अब्राहम से की थी, कि उसका एक विशाल परिवार होगा जिसके द्वारा परमेश्वर सब जातियों को फिर से अपनी आशीषों से भरेगा। और इसीलिए जब 20 साल बाद याकूब को अपनी अयोग्यता का एहसास होता है, तो वो परमेश्वर से कहता है, मैं उस सारे खेसेद के योग्य नहीं जो तूने मुझे दिखाया है। और वो सही है, पर परमेश्वर का खेसेद कभी भी याकूब की योग्यता पर आधारित नहीं था। ये अपनी प्रतिज्ञा के प्रति परमेश्वर की उदार विश्वास योग्यता का प्रदर्शन है। परमेश्वर का खेसेद याकूब के वंशजों अर्थात इसराइलियों की कहानी में जारी रहता है। जब वे मिस्र में फिरौन द्वारा दासत्व में लिए जाते हैं, तो हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने अब्राहम और याकूब से की हुई अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण किया। इसलिए परमेश्वर मिस्र को पराजित करता है और मूसा को खड़ा करता है कि वो लोगों को छुड़ाए और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाए। और इस कहानी में इसे खेसेद का कार्य कहा जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा अपने वचन को पूरा करने के विषय में है। अब जब इसराइली प्रतिज्ञा के देश के अपने मार्ग पर थे, तो वे अपने चारों ओर की जातियों से डर जाते हैं और वे संदेह करते हैं कि क्या परमेश्वर उनकी रक्षा कर सकता है या नहीं। अतः लोगों ने मूसा को जान से मारने और एक नए अगुवे को नियुक्त करने की धमकी दी, जो उन्हें मिस्र वापस ले जा सके। जाहिर है कि परमेश्वर को चोट पहुंची होगी और वो क्रोधित हुआ होगा, पर मूसा मध्यस्थता करते हुए कहता है, अपने बड़े खेसेद के कारण इन लोगों के अधर्म को क्षमा कर। ध्यान दीजिए कि मूसा ने परमेश्वर से लोगों को इसलिए क्षमा करने की विनती नहीं की क्योंकि वे इसके योग्य है, परंतु इसलिए क्योंकि ये परमेश्वर के स्वभाव के साथ मेल खाता है और परमेश्वर मान जाता है और वो स्वयं को ऐसे लोगों के प्रति फिर से समर्पित करता है जो उसके प्रति समर्पित नहीं होना चाहते हैं। बाइबल में परमेश्वर किसी और कारण से नहीं, बल्कि केवल इसीलिए विश्वास योग्य और प्रेमी है क्योंकि यही उसका स्वभाव है। निस्संदेह वो चाहता है कि उसके लोग उसके खेसेद का उत्तर खेसेद से दें, पर जब वे ऐसा नहीं भी करते हैं, तो भी परमेश्वर का खेसेद बना रहता है। होशे भविष्यवक्ता ने इसराइल के खेसेद की तुलना सुबह की ओस से की है, जो एक पल रहती है और अगले पल गायब हो जाती है, पर परमेश्वर का खेसेद सदैव बना रहता है। जैसे भजन 136 के उत्सव में, जो इन शब्दों से आरंभ होता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो
भला है, और फिर 26 बार दोहराता है कि उसकी खेसेद सदा की है। और इसीलिए इसराइल द्वारा सदियों तक परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण को तोड़ते रहने और मनुष्य जाति द्वारा अपने लंबे इतिहास में हिंसा और मृत्यु में शामिल रहने के बावजूद भी परमेश्वर ने एक नाटकीय और प्रबल रूप में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, जिसमें वो मनुष्य बन गया और यीशु के मनुष्यत्व में स्वयं को हमारे साथ उसने जोड़ दिया। और यीशु नासरी का अनुसरण करने वाले लोगों ने कहा कि उसमें उनकी भेंट इसराइल के परमेश्वर से हुई, जो सच्चे प्रेम और विश्वास योग्यता से भरपूर है। यीशु सबसे महान विश्वास योग्य और प्रेमी मनुष्य है, और अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में परमेश्वर ने हम सबके लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए एक नया भविष्य खोल दिया। और परमेश्वर ने यह इसलिए किया क्योंकि यही उसका स्वभाव है, उदार प्रेमी और अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति अनंत रूप से विश्वास योग्य। और जब हम यीशु में प्रकट परमेश्वर के सच्चे प्रेम की शुद्धता और सामर्थ्य का अनुभव करते हैं, तो ये हमें कल्पना करने के लिए विवश कर देता है कि हम परमेश्वर के प्रति और अपने आसपास के लोगों के प्रति क्यों और कैसे हेसेद का प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये कहने का अर्थ यही है कि परमेश्वर सच्चे प्रेम से भरपूर है।